Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So आज है Wednesday और अभी 3 बजे का time हो रहा है. मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ. So basically बनानी मैंने बिरयानी है, but वो मैं वापस आके बनाऊँगी. अभी थोड़ी देर में मैंने अपने अम्मी अबू के घर जाना है, फिर वापस आकर मैं बिरयानी बनाऊँगी. अभी फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड को ये कबाब बना के दे रही हूँ, क्योंकि कुछ तो खाना है ना, खाना तो रात को बनेगा, तो इस वजह से वो ये नान के साथ खा लेंगे. मैंने अभी लेट नाश्ता किया था तो मुझे भूख नहीं लग रही. रेयान जो है वो सो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. सो या दैट्स बेसिकली इट. कुछ हुआ तो फिर वो व्लॉग भी कर लूँगी साथ साथ, बट मैंने कहा कि चलो व्लॉग शुरू तो किया जाए. आज है थर्सडे की रात और अभी मुझे जो है ये ब्लॉग एडिट करना है आप लोगों के लिए, कि मैं फ्राइडे को लगा सकूं. आप लोगों का तो फ्राइडे शुरू हो गया, बट मेरे फ्राइडे होने में कुछ घंटे बाकी हैं, बट मेरे पास इतनी ज़्यादा फुटेज नहीं है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं ये वाला ब्लॉग एडिट के कल वाला दिन मिला के सैटरडे को पोस्ट करूँ, बट आई रियली वॉन्ट डू मंडे वेंसडेज एंड फ्राइडेज ब्लॉग के लिए, ताकि एक रूटीन सी सेट हो जाए. सो अभी मेरा ये प्लान है कि मैं थोड़ी सी चीज़ें जो मम्मा पाकिस्तान से लाई हैं, और हाँ आई डोंट थिंक मैंने आप लोगों से बात शेयर की है, आई डोंट रिमेम्बर. तो मेरी मम्मा आज पाकिस्तान से वापस आई हैं और हम सुबह उनको लेने गए हुए थे एयरपोर्ट, और फिर आपको पता है छोटे बेबी के साथ ट्रैवल करना और फिर बार बार कैमरा निकालना, इट डजेंट वर्क. सारा दिन उधर ही हमारा लग गया, फिर मैं उन्हीं की तरफ थी, मम्मा की तरफ ही, और अभी कुछ घंटे पहले ही आई हूँ. फिर जो काम घर के सुबह छोड़ के गई हुई थी वो फिनिश किए हैं, तो इसलिए कुछ व्लॉगिंग मटेरियल नहीं है मेरे पास. बट एक अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी मम्मा से पाकिस्तान से, वो मैं थोड़ी सी लाई हूँ, बाकी उनके तरफ ही पड़ी हुई है, क्योंकि मैं इतना कुछ एक साथ उठा के नहीं लेके आ सकती थी. तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा थोड़ा लेके आऊँगी, सो मैं वो शेयर कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएगा. और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो वैनिटी का एक और पार्ट रहता था उसको ठीक कर लूँ, क्योंकि उसको भी ठीक करना है, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, और वो भी कंटेंट हो जाएगा ब्लॉग के लिए. सो आई डू दैट, बट देर इतनी हो गई और इतनी थकावट और लेजीनेस हो गई है ना इस वक्त, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ब्लॉग जो है बस फजूल का हो. चीज़ें मैंने खुद मंगवाई हैं वो दो फेशियल्स हैं, और पहली कंपनी ये है, इसके अंदर ये छोटी सी बुकलेट सी आई है जिसके अंदर इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं कैसे यूज़ करना है, और ये प्रोडक्ट्स इस तरह के
लिफाफे में पहले आए। और मैंने जो मंगवाया था वो 250 ml वाला था, क्योंकि मैं पहले ट्राई करना चाहती थी कि है कैसा, अगर अच्छा लगे तो फिर बंदा फुल साइज़ भी मंगवा लेता है। सो ये हैं सारे प्रोडक्ट्स, एक सेकंड मैं आपको ना रख के दिखाती हूँ। सारी सारी जो है किट थी, और ये जो सिरम था इनका, ये आपको अलग से लेना पड़ता है। सो या इनकी जो प्राइसेस हैं मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी अपने मैसेजेस से देख के कि कितने का आया था। सो ये एक फेशियल है जो मैंने मंगवाया, और दूसरा फेशियल मैंने इस कंपनी का मंगवाया है, डर्माशाइन। सो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो हैं स्टेप्स। अच्छा, सो ये हैं वो सारे के सारे स्टेप्स। अगर मैं सही बताऊँ ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि वाइटनिंग वाला कोई फेशियल मैं मंगवाऊँ, बट हर फेशियल के अंदर जो भी मुझे नज़र आ रहा था उसमें वाइटनिंग 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 लिखा हुआ था, तो फिर क्या कर सकते हैं। बट मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं कि बहुत अच्छे हैं। मैं इसको इस पर्पज़ के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी कि मेरा रंग गोरा हो जाए। मेरे इसके डब्बे के अंदर भी ये डर्माशाइन वाइटिंग फेशियल सीरीज़। मुझे इन दोनों फेशियल्स की ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप वाला ये बुकलेट सा दिया हुआ साथ, क्योंकि मेरा जैसा बंदा जो कभी फेशियल करता ही नहीं ना कभी कराया, तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये देखना कि चलो पहले क्या लगना है बाद में क्या लगना है। सो दिस इज़ रियली नाइस। अब इनको इस्तेमाल करके पता चलेगा कि ये वाकई में कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये छोटा सा हाइलाइटर जो मैंने ओफ्रा का मंगवाया था, मेकअप फॉर यू ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पेज है उनका, आई थिंक वेबसाइट भी है, तो वहाँ से मैंने ये मिनी वाला हाइलाइटर मंगाया था। ये यहाँ से इतना महंगा मिलता है, बट वहाँ पे आई थिंक कोई सेल चल रही थी या जनरली मुझे थोड़ा सस्ता लगा था, इसलिए मैंने छोटा मिनी मंगा लिया। और ये काफ़ी मशहूर है रोडियो ड्राइव इनका। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये मेरी दोस्त ने मुझे सेंड किया है, उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, और आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ हर। उसने ये बिज़नेस खुद स्टार्ट किया है और अपने पैसों से स्टार्ट किया, और शी इज़ वर्किंग रियली रियली हार्ड टूवर्ड्स इट। बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म की वो है, और ये उसने खुद बनाया हुआ है। आई डोंट रियली नो के प्रॉपर वर्ड्स क्या होते हैं, बट लेट मी शो यू। ये आईलैशेस का ब्रांड है उसका, और ये खुद पाकिस्तान में बनवाती है। इतनी खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है, लाइक इसको तो खाली टेबल पर बंदा रखते और इतना प्यारा लगे। ये इसका एक स्टाइल है, और दूसरा भी स्टाइल है इसका। फर्स्ट स्टाइल भी है, ये ड्रामेटिक किस्म का है। पहला जो है इसका नाम है आयरोनिक। हाउ प्रिटी, मैं तो पैकेजिंग पे फिदा हो गई हूँ कसम से। और जो ज़्यादा ड्रामेटिक है उसका नाम है फ्लटरफ्लाई। सो प्रिटी। और मेकअप की कोई चीज़ नहीं मंगवाई थी, क्योंकि मेरे पास पहले ही इतना ज़्यादा पाकिस्तान से मेकअप पड़ा हुआ जो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बट मैंने ये एक नाइट सूट जो है ना मंगवाया था इस कंपनी से, स्लीप टब से। ये भी इंस्टाग्राम पर एक पेज है, उनसे मैंने ये मंगवाया था। इसके साथ इसी तरह के मैचिंग पजामास भी आते हैं। क्वालिटी अच्छी है इसकी, दैट्स इट। और अब ये वाला गन भी संभालना है, और ये जो इधर पिछले दो दिनों का गंद मचा हुआ है ये भी संभालना है, तो लेट्स गेट ऑन विद दैट। और ये सामने इसके पजामास पड़े हुए हैं मैचिंग के, इन पे भी ये पाइपिंग हुई हुई है थोड़ी जी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ड्रॉर से, जिसमें सबसे ज़्यादा रैंडम चीज़ें पड़ी हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो ये मेरी हैंड क्रीम होगा, और ये वो डिओड्रेंट है जिसकी मैं बात करी थी, जो बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा नेचुरल डिओड्रेंट है ये। के अंदर मैं अपने सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रखना चाहती हूँ, जिनके लिए मुझे कंटेनर्स लाने हैं, बट फिलहाल रखने के लिए हम रख देते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स रखूँगी जो डेली मैं यूज़ करती हूँ और रीचेबल हूँ मेरे लिए फ़ौरन से। सो ये ड्रॉअर है डन। नेक्स्ट
नेक्स्ट ड्रॉअर है, सूर्य ड्रॉअर के अंदर मेरे सारे स्प्रेज हैं और आई थिंक थोड़ी बहुत क्रीम्स वगैरह हैं। ये थर्ड वाली ड्रॉअर है जिसके अंदर मेरे कंसीलर्स पड़े हुए हैं, ये बीच में सारे, ये कलर करेक्टर्स हैं, ये सारे फाउंडेशंस हैं, ये भी सारे फाउंडेशंस हैं, ये दो नए फाउंडेशंस हैं, टाचा का प्राइमर है और ये सारे जो हैं मेरे प्राइमर्स, फेशियल ऑयल्स, वो सब पड़े हुए। ये जो है तकरीबन सेट ही है, ये जो हैं खड़े होते हैं बट जो इन ड्रॉअर बंद करो तो दोबारा गिर जाते हैं, देयर इज नो पॉइंट। नेक्स्ट ये ड्रॉअर है, इसको मैं ठीक नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर सारे वो प्रोडक्ट्स पड़े हैं जिनके ऊपर अभी मैंने रिव्यू करना है। ये सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक 99% और इंस्टाग्राम से मंगाए गए हैं, तो जब यूज़ कर लूँगी तो फिर इनको उनकी रिस्पेक्टिव जगह पे पहुँचा दिया जाएगा। लास्ट वाली ड्रॉअर जो है मेरी बिल्कुल सेट ही है, इसमें वो सारे पैलेट्स पड़े हैं जो मैं नहीं यूज़ करती, और इसमें लिक्विड हाइलाइटर्स पड़े हुए हैं, इससे अलग एक ग्लिटर्स पड़े हुए हैं और कुछ रैंडम चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी सारी स्पेस है चीज़ें रखने की। तो ये वाली जो है ना चल अब सेट हो गई है। अब जो चीज़ ऊपर ठीक करनी है वो इन सब चीज़ों को रखना है जहाँ जहाँ पर इनको होना चाहिए। सो ये वाला काम मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी, अगर फिल्म किया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। तो ये वाला ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल और कॉमेंट भी करें और लाइक दिस वीडियो। और मेरा बेबी जाग गया सो मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।